नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आपने देखा, अजय चौटाला जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और चुनाव को लेकर के मीटिंग है, तो भी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं सभी में। नमस्कार जी, गोपाल कन्हैया जी भी हमारे साथ हैं कि ये जो मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, इसके बारे में कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश देखने को मिल रहा है। इनसे अजय चौटाला जी है और गोपाल कांडा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस मीटिंग को लेकर जैसा कि आपको दिखाया भी है मैंने कि जोश जिस तरह से भरा हुआ कार्यकर्ताओं के अंदर, और गठबंधन की सरकार जो है इनका दावा है कि बनाने जा रही है, तो जिस तरह से अजय चौटाला जी किसान अब जो है गाँव में विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, उसका क्या कुछ असर पड़ पाएगा आपकी पार्टी का? मेरे साथ चलो, मैं तो अब तक 40 के करीब गांवों में जा चुका, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध करता हुआ नज़र नहीं आया। कहीं कोई चार आदमी काले झंडे लेकर के खड़े हैं तो वो किसी एक पार्टी विशेष के लोग हैं या उनके पेड़ लोग हैं। किसान अपने काम में लगा हुआ है, किसान को फुर्सत खेती के काम से ही नहीं है। और घट रहा है अजय चौटाला जी का, क्या उसको उसके अंदर सेंधमारी करना इतना आसान रहेगा? गढ़ थे राजाओं के, जो अब हो गए खंडर। गढ़ प्रजातंत्र में गढ़ नहीं हुआ करता, जनता जनार्दनी सर्वोपरि है। फैसला यहाँ के जागरूक मतदाताओं को करना है कि कौन उनका नुमाइंदा चुन करके विधानसभा में जाएगा, ये फैसला लोगों ने करना है। गढ़ गाढ़ अब किसी के नहीं। उनके कार्यकर्ता जो है वो तो कह रहे हैं कि गढ़ है, इसको इसके अंदर सेंधमारी करना बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। गढ़ तो खंडर हो गए, गढ़ नहीं रहे अब किसी के। 20 गाँव के अंदर किसान जो है आज जो है दौरे करने जा रहे हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी और गठबंधन सरकार की जमानत जब्त कर दी जाएगी। वो तो 20-30 तारीख को वोट पड़ेंगे, 2 तारीख को परिणाम जब आए तब आप मुझसे बात करना कि किसकी जमानत जब्त हुई और कौन विजयी हुए। साफ शब्दों में कहना है कि एक तरफा जीत यहाँ पे। गोपाल कांडा जी, आप कुछ? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार चाहिए लोगों को, या कब्जा दबजा वाले लोग चाहिए? ये लोगों ने मन बनाना है खुद कि कब्जा दबजा वाले लोग चाहिए या विकास चाहिए, तो इसी में फैसला होना है। ये इलाहाबाद की जनता कर देगी। अब पूरी तेजी के साथ हमने अपना जो दौरे तेज कर दिए गए हैं, गोपाल कांडा जी का अभी भी कहीं जगह पर विरोध हो रहा है तो? नहीं नहीं, कहीं विरोध नहीं। और आप बता दिया भाई साहब ने, ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। किसान अपने काम में लगा हुआ है, कुछ पार्टी के लोग हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा जी और अजय जी से हमने बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से हम दौरे कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उस हिसाब से पूरा का पूरा जोश सरकार के अंदर, नेताओं के अंदर, और एक तरफा ये सरकार बनाए जा रहे हैं, और इस सीट को अब की बार आसानी के साथ ये भेज दें।